हाय गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नई सीरीज 7 डेज 7 वन पॉट रेसिपीज के दूसरे एपिसोड में। आई होप आपको कल वाला पहला एपिसोड पसंद आया। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। फ्यूचर में कोई वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फटाफट से। आज की रेसिपी है मसाला मैकरोनी की। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूनिक इसीलिए है क्योंकि हम इसे बिना अलग से उबाले, छाने या कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत किए सीधा एक ही बर्तन में बनाने वाले हैं। टेस्ट इसका उतना ही मज़ेदार होता है, कोई फर्क नहीं आएगा। और इतने सारे जो बर्तन हो जाते हैं एक्स्ट्रा मैकरोनी बनाने में, उनको साफ करने से भी छुट्टी मिल जाएगी आपको, है ना एक्साइटिंग फायदे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गैस को मीडियम फ्लेम पर सेट करके एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। साथ में हम ऐड कर देंगे एक चम्मच बटर। बटर से मैकरोनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, पर सिर्फ इसे काम में नहीं ले सकते क्योंकि ये कढ़ाई में डालते ही तुरंत जलने लगता है, इसीलिए हमने साथ में आधा तेल लिया है। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधा दो चम्मच तेल ही ले लीजिएगा। फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। इसे ज़्यादा नहीं, बस करीब एक मिनट हल्का ट्रांसल्यूसेंट होने तक पका लेना है आपको। फिर हम ऐड करेंगे एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी मिलाकर आधा मिनट पका लेंगे। यकीन मानिए, गेम चेंजिंग रेसिपी है ये मैकरोनी की। एक बार आपने इस तरह से बना लिया, फिर वो आप पुराना उबाल कर, छान कर, छौंक लगा कर बनाने वाला तरीका भूल ही जाएंगे। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने ली है बिल्कुल बारीक कटी हुई एक टेबलस्पून गाजर और एक टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। बाकी सब्जियों के मुकाबले इन्हें पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हमने पहले ये डाली हैं। फिर करीब एक मिनट के बाद हम ऐड करेंगे इस तरह से लंबी कटी हुई एक टेबलस्पून पत्ता गोभी, एक टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, एक टेबलस्पून मटर के दाने और एक छोटा टमाटर। मिला देते हैं इनको। यहाँ पर सब्जियों को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, बस एक मिनट के आसपास ही पकाइएगा इनको। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा क्रंच रहना चाहिए इनका। फिर मसालों में हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून नमक। मिला देते हैं इनको। यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है ये, लेकिन कलर काफ़ी अच्छा आता है इससे। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ सब्जियाँ हैं ये, लेकिन लाल मिर्च पाउडर के रंग की वजह से कितनी अच्छी लग रही हैं ये कढ़ाई में। अब आता है हमारा मेन स्टेप। एक कप मैकरोनी है ये, सीधा पैकेट में से निकाल कर कढ़ाई में डाल दी है हमने। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को एक बार और दो मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आप इस तरह बिना उबाले मैकरोनी बनाने का तरीका पहली बार देख रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक कप मैकरोनी बनाने के लिए आपको दो कप पानी लेना है, आधा लीटर है ये। मिला देंगे इसको और फिर कढ़ाई को ढककर इसे करीब 8 से 10 मिनट या फिर जब तक ये पानी सूख ना जाए पका लेंगे। कुछ देर में ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा पानी बचा है अभी, पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है ये, लेकिन मैकरोनी हमारी अच्छे से पक गई है। मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। देखिए,
एक दो और पीसेस चेक कर लीजिए इसी तरह। जैसी अलग से उबालने पर होती है वैसी ही हो गई है ये। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे एक टेबलस्पून टमेटो केचप। टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा इससे हमारी डिश का। मिला देंगे इसे और एक मिनट पकाकर गैस बंद कर देंगे। बचा हुआ पानी अब्सॉर्ब हो जाएगा इससे। तो ये थी हमारी मैक्रोनी की वन पॉट रेसिपी। जल्दी से इसे ट्राई कीजिए और फिर आकर मुझे अपना फीडबैक बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। मेरा ये यूनिक तरीका पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक और नई वन पॉट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।